नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। आज मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं उसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा और साथ ही में इसके जो टारगेटेड बायर्स हैं ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक हैं और अगर आप उनमें से हुए देन यू विड इमीडिएटली बाय दिस प्रोडक्ट। आई कैन गारंटी यू दिस। बेसिकली दिस इज़ द प्रोडक्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन what this is. This is a car multimedia player. This has been targeted for those people who are owning an older generation car और आपकी गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि CD प्लेयर हो गया, ऑक्स कनेक्टिविटी हो गया और साथ ही में FM जैसे फीचर्स हैं। एंड यू डोंट वांट टू इंस्टॉल अ 2-DIN कार स्टूडियो सिस्टम बिकॉज यू लव द ओवरऑल डिज़ाइन एंड द कॉन्सेप्ट जिससे कि वो गाड़ी बनी थी और आपको वो जो रेट्रो लुक है गाड़ी का उसको आपको रिमूव नहीं करना है, बट you want a modern feature in your car. So guys, this is a car multimedia player जिसमें कि आपको अनगिनत फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फ्रंट एंड रियर डैश कैम, दूसरा वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, DVR फंक्शन, ब्लूटूथ फंक्शन एंड वॉट नॉट। सो गाइज, इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ एंड लेट्स हैव अ लुक हाउ दिस प्रोडक्ट इज। द आउटर पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये किस तरीके से इंस्टॉल होगा। यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, दूसरे साइड भी इसके स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, साथ ही में द डिवाइस इटसेल्फ, रियर कैमरा को कनेक्ट करने के लिए केबल, काफ़ी लंबा केबल है, इट मीन्स यू कैन यूज इट इन ऑल द कार्स। अब क्योंकि हम इस डिवाइस को पावर देने वाले हैं फ्रॉम द सिगरेट लाइटर, सो हमें मिला है एक कार सिगरेट लाइटर चार्जर और साथ में हमें मिला है ऑक्स केबल। ऑक्स केबल इसलिए ताकि अगर आप लैग फ्री म्यूजिक चाहते हो तो यू कैन जस्ट कनेक्ट द डिवाइस विथ योर कार एंड यू विल गेट अ कम्प्लीटली लैग फ्री म्यूजिक। और अब चलिए इस डिवाइस को देखते हैं। सो दिस इज़ द कार मल्टीमीडिया प्लेयर। इसकी स्क्रीन है 10.26 इंचेस की। पीछे की ओर हमें मिलता है कैमरा जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द व्यूइंग एंगल। ये देखिए, ये राइट एंड लेफ्ट भी जा रहा है और ऊपर एंड नीचे भी जा रहा है। ऊपर की ओर हमें मिला है पावर बटन यहाँ पर और साइड में हमें मिला है 4 पोर्ट। ये जो 4 पोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पहले पोर्ट से हम इसको पावर देंगे, दूसरे पोर्ट से हम इसके रियर कैमरे को एक्टिवेट करेंगे, थर्ड पोर्ट इज ऑफ द माइक्रो USB और जो चौथा पोर्ट है दैट इज ऑक्स केबल के लिए। और इसको जब हम डैशबोर्ड पे प्लेस कर देंगे तो हम इसका व्यूइंग एंगल भी चेंज कर सकते हैं। हैव अ लुक, ये इस तरीके से है और हमने हल्का सा इसको पीछे से ढीला किया और हम इसका व्यूइंग एंगल इस तरीके से चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से हमें चाहिए। और फिर पीछे से इसको हम टाइट कर देंगे इस वाले बटन से, इससे ढीला किया और ये देखिए ऐसे मूव कर रहा है और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा। सो ओवरऑल द डिज़ाइन इज़ क्वाइट गुड, द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सो गाइज, फाइनली द डिवाइस इज़ इंस्टॉल्ड इन माई कार और अभी मैं कुछ काम से गया था गाड़ी चला के अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स एंड देर इज़ वन नोटिसेबल थिंग दैट आई रियलाइज आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस डिवाइस एंड दैट इज़ कि इसको लगाने से जो यूटिलिटी फैक्टर है इस कार का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में कोई एक आउटडेटेड फील जो आता था कि यार हर बार अगर मुझे Google Maps खोलना है तो मुझे अपना फ़ोन से चेक करना पड़ता था, ये सब इश्यूज एकदम ख़त्म हो गए हैं एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। सबसे पहले मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कि मैंने इसको इंस्टॉल कैसे किया है। ये जो कार मल्टीमीडिया प्लेयर है इसको मैंने इंस्टॉल किया है थोड़ा सा आगे की ओर, मेनली बिकॉज इसमें टच स्क्रीन है और मैं चाहता था कि मेरे हाथ के एक्सेसिबल एरिया में हो। अगर मान लीजिए मैं बहुत पीछे लगा देता तो इसका रीच काफ़ी दूर हो जाता और मुझे डिफ़िकल्टी होती इसको यूज़ करने में। सबसे पहला था इसको पावर देने का, तो इसका जो पावर केबल है ये वाला है और ये नीचे आया है एंड दैट हैज़ डायरेक्टली गॉन इनटू द सिगरेट लाइटर पोर्ट यहाँ पर। इसके अलावा एक केबल है रियर कैमरा का जो कि यहाँ से जाके फिर इसको मैंने ए पिलर से ऊपर भेज के पीछे की ओर भेज दिया है एंड एज़ यू कैन सी कि जो इसका इंस्टॉलेशन हुआ है वो काफ़ी क्लीन हुआ है। ओनली द केबल्स आर विजिबल हियर और एक हमारे पास ऑक्स केबल था जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और यहाँ पर लगा दिया है। एंड गाइज देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर कि इसका जो बेस प्लेट है इसमें एडहेसिव माउंट है, तो इसको माउंट करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे गाड़ी मत चलाइएगा ताकि ये प्रॉपरली चिपक जाए। बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये डबल साइडेड टेप्स दिख रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है और अंदर कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और जो रियर कैमरा है उसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम गाड़ी ऑन करेंगे तो ये किस तरीके से ऑन होगा। मैंने गाड़ी को इग्निशन ऑन किया, यहाँ पर एक कार की फ़ोटो आ गई। इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये देखिए ये ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक वर्किंग समझा देता हूँ। पहला है एप्पल CarPlay। माइंड यू इसमें जो एप्पल CarPlay चलेगा वो वायरलेसली चलेगा। हमने यहाँ पर टैप किया, यहाँ ब्लूटूथ में गए, T86 सर्च किया और हमने इसको टैप कर दिया। यहाँ पर आ रहा है पेयरिंग रिक्वेस्ट, हमने अलाउ किया, सिंक्रोनाइज किया। ये पूछ रहा है कि यूज़ CarPlay, हमने कहा येस। एंड गाइज हमारा वायरलेस एप्पल CarPlay एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसमें चलाएंगे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। सबसे पहले हम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो पर टैप करेंगे, स्विच टू एंड्रॉयड ऑटो मोड, कंफर्म। फ़ोन में हम सर्च करेंगे, ब्लूटूथ में आएगा T86 1B ऐसे करके, इसको हमने टैप किया। यहाँ पे आ रहा है पेयरिंग, अलाउ एक्सेस, पेयर। एंड गाइज हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एक्टिवेट हो चुका है। एक बार जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपको इसको बार बार इस तरीके से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज कि टर्न ऑन योर ब्लूटूथ और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जो अगला फंक्शन है दैट इज़ DVR। इसको जब हम टैप करेंगे तो हम यहाँ पर फ्रंट कैमरा देख सकते हैं और रियर कैमरा देख सकते हैं और यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये लॉक फंक्शन है कि अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक वीडियो को लॉक करना है देन यू कैन लॉक इट। यहाँ पे फ़ोटो लेने का ऑप्शन है, पुराने वीडियोस को देखने के लिए प्लेबैक ऑप्शन है, माइक्रोफोन को ऑन एंड ऑफ करने का यहीं पर ऑप्शन दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ रियर कैमरा ऑन हो तो आप इसको टैप करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट और ये रियर। अभी इस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है क्योंकि मेरी जो पीछे वाली गाड़ी है वो बहुत पास में खड़ी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप फ्रंट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये डैशबोर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी नीची है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी भी ऊपर हुई तो ये जो डैशबोर्ड है ना ये नहीं आएगा। बट ओवरऑल डिस्प्ले ठीक आ रहा है। बट जब हम कैमरे को ऊपर लगाते हैं अपनी गाड़ी में तो नो डाउट वो बेटर दिखता है। जो अगला ऑप्शन है वो प्लेबैक का है। आप अपने पुराने वीडियोस को इसमें बैठ के चेक कर सकते हैं। ये देखिए एंड जो डिस्प्ले आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। रियर कैमरे की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। And I really find it very useful. जो अगला ऑप्शन है that is a very important thing and you should know about it and that is audio output. जब हम audio output पे टैप करेंगे तो देखिए 4 ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है स्पीकर का कि ये जो डिवाइस है इसके जो स्पीकर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा है CarPlay या ऑटो, इसको आप ब्लूटूथ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा है FM में क्या होगा बेसिकली कि जैसे जब हमने मान लीजिए FM को टैप किया तो 106 आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने जो कार का जो FM है ना उसको 106 पे करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही हम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल CarPlay चलाएंगे तो जो म्यूज़िक है वो हमारी गाड़ी के स्पीकर से एक्टिवेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ऑक्स का। जब हम ऑक्स को टैप कर देंगे और यहाँ पर हम ऑक्स टैप कर देंगे तो हमें इस ऑक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी गाड़ी में और फिर ऑक्सिलरी केबल के थ्रू हमारा जो म्यूज़िक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑक्स लगाने से जो क्वालिटी ऑफ ऑडियो है वो बहुत ही अच्छी आती है। फिर अगला ऑप्शन है कि आप अपनी एप्पल एयरप्ले यूज़ करके एप्पल आईफोन का स्क्रीन मिरर कर सकते हैं और एंड्रॉयड कास्ट यूज़ करके अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस की स्क्रीन मिरर कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। ब्लूटूथ म्यूज़िक में क्या होगा कि इस डिवाइस में जो स्पीकर्स हैं उससे आप अपने ब्लूटूथ म्यूज़िक को चला सकते हैं। वाईफाई वीडियो भी एक ऑप्शन है। और फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड रेजोल्यूशन, इसको आप सेट कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि ये हाईएस्ट पे रहे। स्प्लिट टाइम कितने मिनट्स के वीडियो बनने चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। आई थिंक 3 मिनट्स इज ओके। माइक्रोफोन को ऑन रखना है कि ऑफ ये भी आप सेट कर सकते हैं। इमेज मिरर, अगर आपका जो पीछे का कैमरा है वो उल्टा लगा हुआ है तो आपको इमेज मिरर को टैप करके ऑन या ऑफ कर देना होगा तो फिर एकदम परफेक्ट आने लगेगा। स्क्रीन सेवर, अगर हम स्क्रीन सेवर को 10 सेकेंड्स पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल एक बड़ा ही उम्दा फीचर है। इसमें दिखा रहा है कि आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका वॉइस कंट्रोल मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, परफेक्टली ये काम नहीं करता है। एनीवेज बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ड्राइविंग पोजीशन हम सेट कर सकते हैं कि हमारी जो स्टीयरिंग है वो राइट में है कि लेफ्ट में है, उसको हम सेट कर सकते हैं। रिवर्स लाइन कैलिब्रेशन कर सकते हैं इसको इस तरीके से, रफली एडजस्ट द फिंगर टच स्क्रीन टू पोजिशन द रिवर्स लाइन। इससे आप जब रिवर्स कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लैंग्वेज, डेट, फॉर्मेट, फैक्ट्री रीसेट एंड फर्मवेयर वर्जन। सो इस तरीके से ओवरऑल इसमें सेटिंग्स हैं एंड आई पर्सनली फील कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप ये 2 दिन सिस्टम को चेंज करके नहीं लगवाना चाहते हैं देन यू कैन इंस्टॉल दिस। 16-16,500 रुपये का ये प्रोडक्ट था। रियर कैमरा भी मैंने लिया था तो वो 19,000 का पड़ा था, बट आई पर्सनली फील कि जो ओवरऑल मुझे इसमें ऑप्शंस मिल रहे हैं और फीचर्स मिल रहे हैं दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी। और इसका जो टच स्क्रीन है वो भी बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको धीमा और तेज कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक ऑफ दिस डिवाइस एंड दैट इज़ कि इसके जो केबल्स हैं ये आपको सामने से ले जाने पड़ते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जब से ये चिपका है मैं काफ़ी ख़राब रास्तों पे इसको लेके गया बट ये नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है नो डाउट बट इट्स वेरी माइनर। अब मैं आपको इसके फुटेज की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये है इसका डे का फुटेज। और ये है इसका नाइट का फुटेज। आई थिंक जो नाइट का फुटेज है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ओवरऑल आई फाउंड दिस प्रोडक्ट टू बी वेरी गुड एंड दिस इज मेनली फॉर दोज पीपल हु डज नॉट वांट टू रिप्लेस देयर एक्सपेंसिव कार इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड स्टिल वांट्स टू एंजॉय द लेटेस्ट कार टेक्नोलॉजी। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।